हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजना भारद्वाज। एंड दोस्तों, मैंने आज फर्स्ट टाइम कॉमेडी वीडियो बनाई है अपनी बेटी के साथ। मेरी बेटी अभी 8 साल की है, बट उसने भी पूरी पूरी कोशिश की है अच्छा करने की। तो मैं बनी हूँ सास, जो कि बहू पे जुल्म करती है, बाद में बहू भी सास पे जुल्म करती है। एंड ये कॉमेडी वीडियो है, तो मैंने पूरी पूरी कोशिश की है अपनी थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग करने की। पता नहीं कैसी हुई होगी, बट जैसे भी हो दोस्तों, आप मेरे को मेरी कमी बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और उसे सुधारूँ और अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अरे ये बहू बहू अभी तक रोटी नहीं बनी। अरे यार, ये आजकल की लड़कियां बिना कितनी कामचोर हो गई हैं। एक रोटी बनाने के लिए 1 महीना लगता है क्या? पता नहीं यार, कैसी लड़कियां आजकल की, एक रोटी बनाने के लिए 1 महीना लग गया इनको। अरे बहू, इतना टाइम लगता है क्या? कैसी हो गई है ये बुढ़िया, पता नहीं कितनी रोटियां खाएगी। अरे तूने कुछ नहीं सिखाया अपनी बहू को कि सास आई है, उसको टाइम से खाना दे, ये दे। इतनी एक रोटी बनाने के लिए इतना टाइम लगा रही है वो? उसको पता, उसको सिखाया नहीं तूने? सर पे चढ़ा के रखा है, बहुओं को नीचे ऐसे दबा के रखना चाहिए। बेटे इतना टाइम लगता है बहू? बहुत टाइम लगाती हो आप। ओहो, तो बहुत सब्जी थोड़ी फीकी फीकी लग रही है, घी ना डाला तुमने इसमें? घी नहीं, कैसी सब्जी बनाई है? ऐसी कोई सब्जी होती है? हम तो इतना इतना जी घी खाया करते थे अपने टाइम में, इतना घी, इतना बड़ा गिलास दूध का। और हमारे टाइम में 40-40 रोटियां बना देते थे पूरे परिवार के लिए, और इससे 2 ही रोटी नहीं बन रही अभी तक। देखो अभी तक हमने 2 ही रोटी खाई, तूने कुछ नहीं सिखाया अपने बहू को। अरे बहू, थोड़ी सी सब्जी भी दे दे। ये भगवान, बड़ी ढीली है तेरी। चलो मैं खाती हूँ। कुछ नहीं सिखाया तुमने अपने बहू को, कुछ नहीं सिखाया। अरे बहू, थोड़ी सब्जी बनाना आया है, ऐसी थोड़ी सी करारी सी सब्जी डालते हैं, थोड़ी सी मिर्ची डालते हैं, घी डालते हैं, वैसे बनाते हैं सब्जी। ऐसे थोड़ा ना बनाते कि कुछ भी खिला दिया। अरे यार, इन बहुओं ने तो आजकल की लड़कियों से तो मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ ना। तुम कुछ खुद कुछ खाती हो, देखो कितनी सूखी हड्डी बन गई हो तुम। मैं डाइटिंग वाइटिंग क्या होती है? ये डाइटिंग क्या होती है? इतना इतना घी खाया करो। घी से कब खा बीमार होते हैं? देखो, देख तेरी बहू कैसी जबान लड़ा रही है मेरे साथ, कैसी जबान लड़ा रही है। ये कुछ नहीं सिखाया तुम इसको? नहीं बहू, मैं नहीं खाती फीका खाना, मैं नहीं खाती फीका खाना। कुछ नहीं सिखाया तुम। ये तो बड़ी गंदी है, मेरे सब पैर धो रहे हैं, मैं पूरे धो लगा रही हूं, इनका महसूस ही नहीं हो रहा है। अरे यार, तुमने कुछ कहा? नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं सो रही हूँ, तुम दबाती रहो। अरे बहू, तुम रहने दो, तुमसे ना होगा। ये बुढ़िया तो बड़ी चालाक है, अब मैं इसको भगा के ही दम लूंगी। अरे क्या कर रही हो बहू? पोछे लगा रही। ऐसे लगाते हैं पोछा? तो कैसे लगाते हैं बेटे? ऐसे बैठ के लगाते हैं पोछा। ऐसे कौन लगाता है पोछा? हम लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, देख ले तेरी बहू कितनी जबान लड़ाती है मेरे साथ। बेटे बैठ के लगाओ पोछा, खड़े होके कौन लगाता है पोछा? खड़े होके लगाते हैं। बहू तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ए भगवान, इसने तो मेरी जिंदगी आराम कर दी है। कैसी कैसी? अरे बहू, थोड़ा ढंग से पोछा लगा। कैसे लगा रही है तू पोछा? तुझे पोछा नहीं सिखाया? मेरे को आता है लगाने। ए भगवान, कैसे पोछा लगा रही है ये? इसको तो पोछा भी लगाने नहीं आता। हे, मैं तो चली जाऊंगी भाई यहाँ से, मेरा नहीं सर पड़ेगा कुछ यहाँ पे। ये ऐसी, ये काम सिखाए तुमने अपनी बहू को? ये ऐसे करती है ये काम? ऐसे कौन करता है काम? ऐसे पोछा क्यों लगाते हैं हमारे घर में? बैठ के पोछा लगाते हैं, उससे सेहत भी ठीक रहती है। और यहाँ देखो महारानी को,
ये तो तूने तो बड़ी बिगाड़ दी है, ये बड़ी बिगाड़ दी है तूने, मैं नहीं देख सकती ये सब। हमने अपने टाइम में गोबर गोबर ले पाए, गोबर ले पाए हमने अपने टाइम में, गोबर वाले कच्चे मकान होते थे तो गोबर लेप लेप के हमने अपना घर घर सजाते थे, और इधर ये बैठ के ऐसे ऐसे कैसे 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 वो गोबर से लेपती थी, बैठ के देती थी सारा, और इधर ये महारानी इधर ऐसे पोछा दे रही है, ये मैं नहीं देख सकती ये सब। मैं तो भाई आराम, मैं तो भाई अपने घर चली जाऊंगी, मेरे सामने देखा जाता है इतना कुछ। तो मैं अब सबक सिखा के रहूंगी, एक काम करूंगी जब ये चाय मांगेगी मैं चाय के अंदर मिर्ची डाल दूंगी। भगवान कैसा जमाना आ गया है, ये सब देखना पड़ रहा है मुझे। अरे बहू चाय तो ला मेरे लिए। हे भगवान कैसे रहूंगी मैं यहाँ पे, मैं तो नहीं रह सकती यहाँ पे, इसने तो मैं ये सब देख रही हूँ कैसे ये पोछा लगा रही है। एक रोटी बनाने के लिए इसको एक घंटा लग रहा है, ठीक है, ऐसे कौन काम करता है। हमारे टाइम में 40 आदमियों के लिए 40-50 रोटियां बनती थी, हम तब भी ना ऊ करेगी तो सास दे हाथ जला देती थी। कैसा जमाना आ गया है, मैं ये सब नहीं देख सकती मैं। हे भगवान मैं तो अपने घर चली जाऊंगी भाई, मेरे को ना शांति मिलती यहाँ पे, इस बहू को देख के तो मेरे ना खून जल रहा है। ये माजी। हाँ जी, हाँ थोड़ी सी शांति मिलेगी मुझे। और तू ना पिएगी चाय? नहीं नहीं मैं पी चुकी हूँ। मैं न रहूं इस घर पे, मैं न रहूं इस घर पे।